सात संगत जी प्यार से कहना धनंकार जी। आज इस नए साल के अवसर पे दासी एक लाइट हाउस जो पीछे दासी के आप देख पा रहे हैं वहाँ पे खड़ी है और केरला में है। आप सबको जो विश्व भर में कहीं पे भी हैं, आप सबको सबसे पहले दासी का धनंकार और नए साल की शुभकामनाएं। ये माता सविंदर जी ने जिस तरह हम उनको अभी हमने इवेंट भी किया था नवंबर समागम से पहले लाइट हाउस का, और ये जगह शूट के लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट लगी कि सिर्फ एक फिजिकल लाइट हाउस तो है ही पर साथ में उनके द्वारा दिए हुए मैसेजेस भी जो थे कि एक मार्गदर्शित करता है जो लाइट हाउस, तो वो ना कि सिर्फ एक मार्गदर्शित बट पहले उस लाइट हाउस में खुद ही अपनी एक लाइट होती है जो वो लाइट ही दूसरों को आगे लाइट देके रास्ता दिखा सकती है। और उनकी इच्छा यही थी कि हम शहंशाह जी का युग वापस लेकर आएं, जिस तरह एक बच्चा बच्चा आगे बढ़कर ये लाइट हाउस की क्वालिटीज अपने अंदर जब इम्बाइब करेगा और वही प्रदर्शित होंगी आगे जीवन में। उसी के साथ पिछले साल हमने बार बार जब ये देखे कि रोशन मीनार बनाए, हमने महापुरुषों को देखा जो अपने शहंशाह जी के युग के महापुरुष थे और उन्होंने अभी तक ये गुण ऐसे अपने अंदर भी अपनी ताउम्र रखे और अभी भी जो जनरेशन है उनको भी आगे बढ़ चढ़ के वो उनमें ये भी इनकलकेट कर सकते हैं ये क्वालिटीज। उसी के साथ साथ हम ये इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारे पिछले साल में जो भी गलतियां हुई, जो भी हमें खामियां रह गई, क्या हमने अगर इंटेंशनली किसी का दिल दुखाया या कोई भी ऐसी चीज, वो हम इस साल में ना रिपीट करें और अपनी गलतियों से निरंकार का आसरा लेके निरंकार से माफी मांगते हुए उस भरोसे से कि निरंकार कृपा करे आगे से वो गलतियां ना रिपीट हों। आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो और निरंकार कृपा करे कि पल पल ये आने वाला साल सबके लिए एकदम खुशहाली दे, प्रीत नम्रता विशालता ऐसे सारे गुण हम सब अपने जीवन में अपनाएं और साथ ही साथ निरंकार के आसरे रहकर अपने तन मन धन की जहां सेवा करें, लगन से सत्संग करें और बिल्कुल निरंकार से लिप जोड़ते हुए सिमरन करें, ऐसे दिन प्रतिदिन निरंकार कृपा करें हमारा दिन ऐसे ही आने वाला ना कि सिर्फ वर्ष पर ताउम्र ऐसे ही बीते। धन निरंकार जी।